दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें छेती खत्म होंदिया नजर नहीं आ रही। वीरवार 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट तो जमानत मिलने तो बाद भी वो अगले कुछ दिनों तक तिहाड़ जेल चो बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्होंने जमानत पटीशन ईडी ने हाई कोर्ट से चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। अदालत ने सोमवार तक लिखती दलील पेश करने के है, जिसका मतलब है कि आदेश मंगलवार या बुधवार तक ही आएगा, भाव केजरीवाल उदों तक सलाखा पिछे रहना पवेगा। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत ने साड़ी पटीशन ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, उदों तक केजरीवाल की रिहाई ते रोक जारी रहेगी। पंजाब ते हरियाणा विच बीते दिनी हनेरी ते बाद विच पए मीं ने लोगों नूं अद्धी की गर्मी तो राहत दवा दी है। मौसम विभाग ने पंजाब विच 22 जून नूं भी कई थावां ते टुटमा मीं पैण की पेशगोई की है। इस तों बाद पारा मुड़ चढ़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि पंजाब विच 27 जून तक मानसून की एंट्री होने वाली है। इस दौरान 26 जून शामिल होने सार ही मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहे तापमान तो राहत मिलेगी। मौसम विभाग मुताबिक 26 जून तो बाद मौसम एक बार फिर बदलेगा। बारिश विच पंजाब ते मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाणा, फरीदकोट, बठिंडा, मलेरकोटला, फिरोजपुर का पहला नंबर आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते दिन ही राउज एवेन्यू अदालत ने जमानत दी सी, जिसका ईडी ने हाई कोर्ट विच पहुँच करके केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। इस तों बाद हुण सुखपाल खहरा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करदिया लिखा है कि किस्मत सब उसे तरह काम करती है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ने अपने सरकारी अहदिया की दुरवरतों करते हुए मेरे नाल किया सी। उन्होंने लिखा है कि याद करो जो मैं 4 जनवरी 2024 को NDPS केस विच हाई कोर्ट तो जमानत मिल गई सी, तां भगवंत मान ने उसे दिन ही मेरे ते एक होर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया सी, जिस करके मैनू सुभानपुर पुलिस थाने विच ही जेल विच रहना पिया। उन्होंने लिखा है कि जदों बीते दिन केजरीवाल नूं जमानत मिली तां आम आदमी पार्टी अते केजरीवाल अपनी जमानत दा जशन मना रहे सन कि हाई कोर्ट ने हेठली अदालत दे हुक्मां ते रोक लगा दित्ती, हुण उह जेल विच ही रहणगे। इस तों सबक मिलदा है कि तुसीं जो बीजोंगे उही वड्डोंगे। दूजिया नाल कदे भी बुरा ना करो, क्योंकि कुदरत भी तुहाडे नाल उही कुछ करेगी। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने नीट UGC प्रीख्या च कदे ते पेपर लीक के मुद्दे ते सरकार ते निशाना साध्या। उन्हां दोष लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक नूं नहीं रोक पा रहे या रोकना नहीं चाहते। उन्हां दावा किया है कि विद्यक संस्थावां ते भारतीय जनता पार्टी अते इसके मातवादी संगठन नाल जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। जदों तक यह स्थिति नहीं बदलती उदों तक देश विच पेपर लीक नहीं रुकणगे। राहुल गांधी ने पत्रकारों को कहा है कि विरोधी धिर इस मुद्दे को संसद के आगमी सैशन में उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन विचाले जंग को रोक दिता सी, पर वह भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे या रुकना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने दावा किया है कि नौजवानों के भविख न खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने दोष लगाया है कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापक घोटाले देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं, और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड UGC NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को BJP के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है, और आप ये भी जानते हो कि BJP के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूं कि माननीय हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई है। उनके जमानत का एक मजबूत पुख्ता आधार है, और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रायल कोर्ट की जज ने अपने ऑर्डर में उनके कथन को लिखा है। और वो कथन क्या है CJI महोदय का? देश के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों का
एक सम्मेलन जो हुआ था उसमें कहा था मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कि ट्रायल कोर्ट में बेल के मामले में लोगों को निर्णय नहीं मिल पाता, जिसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे बेल के केसेस पेंडिंग हैं। तो यह चिंता जाहिर की थी देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी कि ट्रायल कोर्ट्स के पास जो अधिकार है बेल देने का, वो शायद सही तरीके से अगर सदुपयोग हो उसका तो इतने मामले पेंडिंग नहीं रहेंगे बेल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका भी उल्लेख अपने ऑर्डर में किया है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई, सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे, उनको उनके ऊपर के आताओं ने डांटा बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या, बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की, तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए, मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए, बगैर आदेश के रुकवाने पहुंच गए।